नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते सबसे पहले बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की। आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कई योजनाओं की वर्चुअली बड़ी सौगात दी है उत्तराखंड वासियों को। स्वास्थ्य संबंधी 182 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। आपको बता दें हालांकि खराब मौसम की वजह से उन्होंने वर्चुअली ही कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्र सरकार के दिए गए इस पैकेज के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी का कि उन्होंने लगातार जहां कोरोना महामारी के समय में हमारे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का, ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण से लेकर तमाम अवस्थापना सुविधाओं का उन्होंने लगातार हमारे प्रदेश की चिंता करी और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हमारा हर क्षेत्र में हुआ। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएँ हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आज 182 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, जिसमें श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज का न्यू ब्लॉक है उसके निर्माण के लिए भी उन्होंने धनराशि दी है। और उनकी जो अपेक्षाएँ राज्य सरकार से, राज्य सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी का कि सबसे पहले तो मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज 182 करोड़ रुपये की योजनाओं का विधिवत भूमि पूजन हो गया है। अपने मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार बजट में काफ़ी पैसा हमको मिला है। इस बार दो बड़े काम हमारे राज्य में होने जा रहे हैं। पहला तो यह है कि गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल लाना और हॉस्पिटल से घर तक छोड़ना, ये पहले योजना थी। अब हम इसमें और चीज ऐड कर रहे हैं कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव होने से पूर्व एक हफ्ता पहले हम उनको हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे या होटल में लेके आ जाएंगे या कोई भी उचित स्थान हो, ताकि समय पे उनका जो है पूरा परीक्षण भी हो जाए और गांव में कोई